सब्सक्राइब करें एवरीथिंग इजी चैनल को और बेल का आइकन दबाइए हमारा नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एवरीथिंग इजी चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज दोबारा आप लोगों की खिदमत में एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो जवाजात ने बगैर तस्री के हज जाने वाले के लिए गरामे और जेल का ऐलान किया है उसके बारे में है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो लोग बगैर तस्री के हज के लिए जाएगा और पकड़ा जाएगा तो उसके लिए क्या गरामे और कितना जेल होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है उस पर भी क्लिक करें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को अखबार में लेके जाता हूं, दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो लिखा है अल जवाजात अल आराम 50 अल रियाल व सिजन व तरहील नकल अल हजाज अल मुहालिफीन। यानी दोस्तों जवाजात ने जो ऐलान किया है कि जो भी सऊदी किसी भी अजनबी को मुखालिफ को गाड़ी में लेके जाएगा हज के लिए बगैर तस्री के तो पर आदमी उसके लिए 50,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर गाड़ी में 5 आदमी है तो 2,50,000, अगर 2 आदमी 1,00,000, इस हिसाब से 50,000 हिसाब से उसको जुर्माना होगा और उसका गाड़ी भी सरकारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नीचे लिखा है ये जवाजात ने वहदतुल मुदीर अल जवाजात और खूब नकल हुजाज लजीन यखुलून तसरी निजाम हज। तो दोस्तों अगर जवाजात बता रहा है कि जितने भी हुजाज जा रहे हैं हज के लिए बगैर तस्री के जो भी सऊदी टैक्सी वाला उसको गाड़ी में बैठाएगा उसको लेके जाएगा और वो पकड़ा गया तो उसको 50,000 रियाल पर आदमी और जो हाजी उसके साथ होगा उसको 6 महीने के लिए जेल में डाला जाएगा और 6 महीने के बाद उसको फिर मुल्क भेजा जाएगा, फिर वो कभी सऊदी में एंटर नहीं होगा और सऊदी का जो गाड़ी है वो गाड़ी भी उससे लिया जाएगा और उस गाड़ी को सरकारी कर दिया जाएगा, उसको कभी नहीं मिलेगा दोबारा वो गाड़ी। तो दोस्तों जवाजात आगे बता रहे हैं कि हमने पिछले साल 574 मुखालिफ सऊदी ड्राइवर पकड़े थे जो लोग लेके जा रहे थे बगैर तस्री के हज के लिए, तो उसके ऊपर फिर 5.8 मिलियन रियाल जुर्माना सबके ऊपर लगाया था। तो उससे फिर वो जुर्माने ले लिए गए और उसको जेल भी दिया गया। उनमें से तकरीबन 18 गाड़ी भी उन लोगों ने लिए थे जो बाद में सरकारी कर दिए गए और सऊदी को वापस वो गाड़ी नहीं मिली। तो दोस्तों जो लोग हज के ख्वाहिशमंद थे और जिनको तस्री नहीं मिली, जो 3,465 वाला, वो तो पहले एक दो दिन में ख़त्म हुए थे, आप लोग को नहीं मिले। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो दूसरे तरीके से तो आप लोगों ने देखा कि 50,000 रियाल पर आदमी जो आप लोग को लेके जाएगा टैक्सी में उसको गरामा होगा। ये नहीं होगा कि इस जुर्माने से सऊदी डर जाएगी और वो आदमी को नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा आदमी को, लेकिन जो 500 ले रहे थे पहले अभी उसकी जगह 1500 लेगा। लेकिन दोस्तों पहुंचने का बात नहीं कि आप लोग पहुंच गए और आप लोग सेफ हो गए, नहीं। आप लोगों को पता है कि पिछले साल मीना के अंदर, मुजलपा के अंदर, मक्के के अंदर वो लोग तस्री चेक कर रहे थे जिसका नहीं था। बहुत ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिसका पिछले साल मक्के में बसामात लगे थे, मीना में लगे थे, रास्ते में जो लोग जा रहे थे मीना उस टाइम में लगे थे। उसी का मर्जी किसी टाइम पर आपको बुला सकता है, अगर आप लोग बुलाया कुछ तस्री नहीं है मक्के के दौरान, मीना के दौरान हो सकता है हज का दूसरा दिन हो, हज कल ख़त्म हो रहा है, आज आपसे मांगे तो आपसे बसामात ले लेगा। तो जब आप अपना काम अनाया कराओगे या खुरुज निहाई या छुट्टी जाओगे बाद में मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मैंने सिर्फ आप लोगों को खबर देना था, बाकी आप लोगों को मर्जी, अगर आप लोग जाना चाहते हो, जो लोग इन लोग आखिरी साल है सऊदी में फिर नहीं आना चाहते, खुरुज निहाई जाना चाहते, वो हज करना चाहते हैं जरूरी जिसने पहले नहीं किया, तो आप लोग अपना किस्मत आजमा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से थोड़ा बहुत मालूम मिला होगा, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें ताकि जो लोग बगैर तस्री के हज के लिए जा रहे हैं उसको पता चले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।